माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं टमाटर, पुदीना और हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। तो आइए चलते हैं, टमाटर की चटनी बनाते हैं। को काट लेते हैं बारीक बारीक। धनिया को भी बारीक बारीक काट लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए करें और लाइक किया करें, इस कमेंट्स किया करें और दोस्तों में इसे शेयर किया करें। तो अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुंडी में मज़ा है वो किसी और में नहीं है। ये हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसमें पुदीना काटेंगे बारीक बारीक। आप चाहे तो धनिया के कर सकते हैं, पुदीना ना भी डाल। पुदीना जो है इसमें प्यारा लगता है। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ये लीजिए हमारी ग्राइंड हो गई अच्छे से। इसमें टमाटर डाल देते हैं आप काट के। ये दोपहर में रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आप किसी भी खाने में इसे सर्व करते हैं कर सकते हैं।
देखें तरह से हमारी चटनी है ये वो तैयार हो गई है। मटर भी हैं वो भी अच्छे से घुल गए हैं इसमें। ये हमारी तैयार हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। जिसने ऐसे खानी होगी वो ऐसे खा लेगा। थोड़ी सी मैं निकाल लेती हूँ ज़्यादा, थोड़ी सी दही में निकाल लूँगी। और जिसने दही के साथ खानी होगी दही वाली चटनी के साथ खा लेगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, खासकर दोपहर की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी माई YouTube फैमिली, तो कैसी लगी हमारी आज की ये टमाटर वाली चटनी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और इसे दोस्तों में आगे शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। तो जल्दी मिलूँगी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।